अंकल के गुस्से में देख रहे हैं। Shut up! पिंचर क्यों भी है? Hey, what's up, guys? Welcome to the new vlog. Hi, everyone. क्या? Hi, everyone. ऐसा? Anyways, तो हम लोग अभी घर से निकले हैं और हम एक जगह पे जा रहे हैं कुछ काम से, मतलब शॉर्ट टाइम में है, मतलब क्या बोलते हैं, गेम जोन वगैरह है ना। हाँ। तो वहाँ पे किसी के लिए कुछ इंक्वायरी करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले वहाँ पे जाएंगे, बात बात करेंगे, सब कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब जाए हम बात करेंगे, फिर हम किसी से बात करेंगे, फिर इसकी बात करवाएंगे, फिर हम सारा प्राइसिंग वाला कुछ काम काज। वो जैसे नहीं होता है शादी वादी में होता है कि भाई जाए उसके बाद बजटिंग बताइए कितना पड़ रहा है, वो कितना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, उस टाइप का। तो वहाँ पे जाएंगे, ये सारा काम निपटाएंगे और उसके बाद है कुछ प्लान जो अभी अंकिता को नहीं पता है, तो थोड़ी देर के बाद मैं अंकिता को बता दूंगा, साथ साथ में मैं आपको भी बता दूंगा। फिलहाल हम लोगों ने कल किया था अनवीलिंग ऑफ क्रेटा, ठीक है। तो क्रेटा 2024 नहीं आ चुकी है, कब से आ चुकी है, हम लोगों ने अनवीलिंग भी कर ली है, व्लॉग आप लेट देख रहे हो हमेशा की तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो आप फुटेज कल के देखो, उसके बाद वापस आज के व्लॉग पे आते हैं। अभी 6:07 हो गए, हमको 6 बजे पहुंचना था। हुंडई क्रेटा नहीं लॉन्च हो रही है, उसका अनवीलिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्विकली वो भी दिखा देते हैं। फाइनली हम लोग वापस मिले, वापस यस। कॉन्सेप्ट हुंडई जिंदाबाद। बस मुझे एकदम जो आज तो मेरा, मैं अभी नोटिस किया गाड़ी के साथ सब कुछ मैच हो रहा है, मेरा जूता कपड़ा सब मैच हो रहा है, मैंने अभी नोटिस किया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। हम आए हमारे फेवरेट कॉन्सेप्ट हुंडई में, क्योंकि हमारी सारी की सारी आज तक की मेरी सारी की सारी गाड़ियां इधर से आई है, जैसे कि मेरे को पता ही नहीं है, लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा ब्लॉग। हाँ तू तो ब्लॉगिंग समझती ही नहीं है ना तुम, सॉरी भूल गया मैं, चल आ जा, गुस्सा मत हो अभी, चल देखते को शायद यहाँ से नहीं दिखेगा, पर मैं लोगों को दिखा देता हूँ। हम ये गाड़ी के अनवीलिंग करने आए हैं, नाम में आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, शाणे हम लोग, शाणे शेड़ा यार, एंकर उधर है, गाड़ी इधर है, सब लोग कंफ्यूज हो गया, उधर जाए कि इधर जाए, तो आधे लोग उधर गए, आधे लोगों को ये वो स्टेज में एंटर किया था, सब इधर गए, बोले गाड़ी देखने का अपने को, तो ये आवाज नहीं आ रही है, वो इतना चिल्ला रही है एंकर महादेव, ये कहानी बता रही है, क्रेटा की सुनो, thank you so much to all of you. गाइस ये देखो 360 कैम, अबे कम से कम अनबॉक्सिंग शूट तो करने देती, सारा खाली कर दिया, वेफर मेरे को पकड़ा दी, समोसा खुद उठने लगी, वेफर का पैकेट है, समोसा है, अंदर काला जामुन है, सॉस भी है, अब सॉस मत करना खाने से पहले। ओ गाइस क्या गजब गाड़ी लगी है ना, कसम से बता रहा हूं, हीरेन को तो इतनी अच्छी लगी, हीरेन का तो दिल आ गया, वो बोल रहा मुझे वो खरीदनी है, तो कुछ भी ऑलरेडी तेरे को एक तो मार पड़ने वाली मम्मी के आते, दूसरी और खाना है क्या, चल शॉर्ट एसबीआर का फुल फॉर्म बोल, सिंध वन रोड एसबीआर का, ओ माय गॉड क्या बात है, मेरे को लगा नहीं पता था ये, सुना तो तेरे मुंह से आज ही, अरे मेरे मुंह से आज सुना था किसी, अच्छा मम्मी से बात कर रहा था तब, ए भगवान मेरे को लोगों में शौक हो गया, देखो कैसा पता, पता तो है ना मुझे, कैसे भी पता है, तो फिर ये ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ताज के लाइटर धीरे धीरे कम होती जा रही है, बंद होती जा रही है, बेचारी हर जगह से पूरी थी, उसका धीरे धीरे आधी हो गई, अब गायब होती जा रही है एक्चुअली। चलो तो हम लोग शॉर्ट पे पहुंच गए, अंदर जाते सारी इंक्वायरी करके बाहर निकल के ब्लॉक करते हैं, ये देखो अंधेरा भी हो गया, मीटिंग से खत्म करते करते देखते क्या हुआ, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जब बता दो फिर आखिरी ख्वाहिश, पहले पहली ख्वाहिश तो पूछ, नहीं जो भी है एक ही है बता दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे छोड़ दो, मतलब अभी मारो मत उसे, कैसे छोड़ दो क्या हो गया, देखो अचानक अंकिता बहुत गंदा लग रहा था, पता है वो करने में क्या हुआ
क्या हुआ? ए तू अच्छा मूड कर या खराब मूड कर, एक एक कर। बोल पहले। नहीं खोलूंगा। अच्छा मूड है। अच्छा मूड है, देख ले। अच्छा मैंने तीन बार बटन दबाया, गाड़ी निकली, मैं कंफ्यूज हो गया, शिट क्या हुआ, चाबी भूल गया क्या अंदर में? लेट्स हैव सम रौनक शौनक, लेट्स हैव सम पार्टी टाइम, पार्टी टाइम में लाइट चालू करो, चलो धूम धड़का मारूंगा एक धूम धूम धड़का धड़का, शट अप। एनीवेज अब बारी है सरप्राइज की, जिसके लिए बहुत फटाफट भागना पड़ेगा। मतलब सरप्राइज क्या, अंकिता को जो नहीं पता है, मैंने बताया था कि अंकिता को नहीं पता जो आपको करना है, और सच में नहीं पता है, अंकिता को आइडिया भी नहीं है, हिंट भी क्या नहीं है, क्या करने का है? हम जा रहे मूवी देखने के लिए। अभी? हाँ, मैं अटल हूँ, मुझे देखनी है वो मूवी यार। मुझे भी देखनी थी, सडनली सरप्राइज बता दिया तूने। यस, सरप्राइज कर दिया तूने। चलो तो हम जाएंगे अटल मूवी देखने के लिए, मतलब मैं अटल हूँ, और बताते हैं आपको कैसी लगी। मतलब निकुल को ही फोन करके बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेट आ भाई तू। वैसे आजकल 9 बजे ही आता है, 9:30 ही आता है। आप अपने को और भी थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए 7 बजे का शो है, 6:55 ऑलरेडी हो गई है, और शायद पहली बार ऐसा होने वाला होगा कि हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे। बस यहाँ का ट्रैफिक हमको बीच में ना, पीवीआर में ही है 7 बजे का। वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे? वहाँ तो ना पहुँच पाए। पर एक कुछ बोल बोल, नहीं नहीं बोल बोल बोल, नहीं बोल। जब एक बार प्लाटी में खुल जाएगा ना, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, एकदम पास में। अगर हम अपने टाइम पर नहीं पहुंचे तो अपने पे थू है। नहीं पहुंचेंगे, मुझे मालूम है, तू ही है। क्योंकि मेरे को मालूम है कि अपने को अभी पता है कि भाई यार अक्रपोलिस यहाँ पीछे ही तो है, ऐसा लगता है इतना पास में नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है पीछे ही तो है। सिनेपोलिस भले बहुत दूर है, फिर भी ऐसा लगता है कोई बात नहीं, खाली रास्ते तो होते हैं, और पलेडे में लगे यार यार पीछे ही तो है, चले जाएंगे यार, पहुंच जाएंगे 5 मिनट में, ऐसा लगता है। फिर लाइट होती है ना झूमर उमर देख के, ऐसा लगता है काश कोई स्पॉन्सर दे दे मुझे फ्री में। क्या ये पूरा दुकान सिर्फ एक ऐसा बड़ा सा झूमर? नहीं तो जाके इंक्वायरी की, लाखों के नीचे के है ही नहीं होता। तो झूमर कैसे लाखों के नीचे के होंगे यार? ये जरा तो बोल रहे स्पॉन्सर दे दो मुफ्ती इंसान। तो मैं ये बोल रहा हूँ उसके सामने मैं काम करना तैयार हूँ ना, मुफ्त कर उसको बोलते लेके बैठ जाना। स्पॉन्सरशिप वो होती है कि वो मुझे दे और मैं उनको 1 लाख के सामने 5 लाख के प्रॉफिट करके दू। दैट्स अ वर्क एंड आर्ट। चुप हो जा, चुप हो जा। आई डू आर्ट दैट आई एम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। ये करेगी स्पॉन्सरशिप वाला काम, बोलो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। आई डू एडिट, आई एम एडिटर। आई डू वीडियो, आई एम वीडियोअर। तो मेरे पे तो प्रैंक होता है, तो मैं क्या? यू आर अ प्रैंक बकरी। तो इस हिसाब से तो आई डू ब्रेकअप, आई एम अ ब्रेकर। तू ब्रेकअप किसके साथ करेगा? आई डू पैचअप, देन आई एम अ पैचर। I live, I am liver. तो I stomach, I am a stomacher. I eat, I am a eater. तुझे तो यही बोलना चाहिए। She is a trash, she is a litter. Trash और treasure होता है, litter नहीं होता है। Treasure तो भूप भूप होता है। हाँ, litter कचरा होता है। I am live, liver, eat, eater. ऐसा वाला टर टर। तो इस हिसाब से you don't have a brain, you are no brainer. हैं? अंकल के गुस्से में देख रहे हैं। सॉरी अंकल, मैं नहीं जानता आपकी फैमिली में से किसी को भी ऐसा गुस्से में मत देखा। दूर के रिश्तेदार लड़की को तो पता है नहीं, हिरन की सच में आपको है ना मेरे से मिलने पहले वाला हिरन की स्टोरी चाहिए, डू कॉमेंट इसके नीचे। उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन। शट अप गाइस, हम मूवी में लेट हो रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गए, हम जा रहे हैं, बाय, शट अप। हमको लेट हो रहा था, पर ये वाले स्पॉट में से गाड़ी निकल रही थी, उसके लिए हमने इतनी ज्यादा देर वेट किया। ओ भाई, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलाओ या नहीं चलाओ। एक्चुअली क्या था, वो किसी लड़की के साथ आया था जिसकी अलग गाड़ी थी, वो वेट कर रहा था कि वो गाड़ी निकले उसके बाद, और हम बेवकूफे की तरह हमें कह रहे थे भाई वो निकले तो मैं गाड़ी पार्क करूं। पार्क करना उतने में तो हमारे पीछे दूसरी गाड़ी आ गई, वो घुस डाले, मैं लॉक कर इसे बोला कार को कांड करो क्या, हम लोग मुझे मैं खड़े बीच के ऑडियो 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 इन द लाउड। ये नहीं आ रहा है बोल, हमारा
लाउड इतना, जब मैं कुछ भी बोलती हूँ थोड़ा सा भी, थोड़ा नॉर्मल में बोलती हूँ तो सीधा मेरी घड़ी आवाज करते कि भाई लाउड एनवायरनमेंट। वहाँ पे आ जाएगी शायद, आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मतलब वो लाउड लाउड के चक्कर में इतना ज्यादा मजाक हुआ है ना कि हम लोग हंस के थक गए, और अभी ये इसका है ना वही फेस चल रहा है, पिंच की अभी है, हैं लाउड के हैं। भाई बहुत ज्यादा वो भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रहा, ये पर ये पहले आएगी, ये पहले आएगी। ए कुकी कम बैक। और बता गजब चीज बोलूं, मैंने ना टिकट भी बुक नहीं किया है, वहां जाके ले लेंगे सरप्राइज। बस बस में अंदर घुस जाएगी, खुल जाएगा दरवाजा, पता नहीं वो लाउड एनवायरनमेंट की वजह से। वो गाड़ी की जगह तो हमने डिसाइड करके रखवाई थी नहीं, विदाउट लाउड एनवायरनमेंट। अरे गाल दर्द हो रहे मेरे, लिफ्ट से निकलने वाले लोग सोच रहे थे कि ये लोग क्या पागल हैं, कितना हंस रहे, खुल दरवाजा खुलता है। कभी कभी पता है ऐसा दावा होता है, मेरे साथ पहले हो चुका है कि हंस रहे हैं, ठीक है, आस पास हैं, उनको ऐसा लगता है उनको देख के हंस रहे हैं। बोल ये लड़की भी आके बोले, मेरे को बोला ना, वो क्या बोला तो गए अंकित ने रास्ते में बोला था ना, सही था, तो हमें एक पॉलिस आ गए, पीवीआर आ गए, इसकी चीजें मैं इतनी समझ आ गई हूं, उसको बता रहा हूँ आपके यहाँ 7 बजे का शो है, भाई ने बोला नहीं यहाँ पे तो नहीं, मैं चेक कर झगड़ा ज्यादा चल दे टाइम पर सिनी पुलिस पहुंचने का है। गाड़ी बेचारे से निकल भाई अपन ने। ओए तेरी, चलो यार फटाफट पहुंच जाते सिनी पुलिस। ए तू अंदर, अबे लेट हो रहा है, तू पहले अंदर बैठ जा, तू पहले अंदर बैठ जा, टाइम पर अंदर ऐसे घुसा, ऐसे बैठा है, फेस कर चल लिया भैया ने पहले बोला उतना पास नहीं, ट्रैफिक जाम बहुत बीच में, 7:15, 7:10 तो हुआ है यहाँ पे, अब पहुंच जाते चल, 7:12 तो ऑलरेडी हो चुकी है, हम तो अभी आधे रास्ते पे नहीं पहुंचे सिनी पुलिस के लिए, वहां जाके फिर और ट्रैफिक नड़ेगा क्योंकि वहां पे वीकेंड है, अंदर घुसने में टाइम लगेगा, और टिकट भी ली नहीं है, टिकट तो ठीक है वहां जाके मिल जाएगी, अपना ही है सिनी पुलिस। मेरे को जबड़ा दर्द कर रहे थे हंस के, ये क्या यार, रेड सिग्नल इसको ईसी की कमी थी 100 सेकंड। हाय राम, कुकी अभी सो रही होगी ना, पता है वो बैठे बैठे भाई शॉर्टकट मारता हूँ, वो पता है बैठे बैठे सो रही थी कुकी, मालूम है, चलो चांसेस कम है हमारी मूवी छूटने के 7:17 हुई, हम मतलब मॉल पे तो पहुंच चुके हैं, अभी बस टिकट विकेट लेनी बाकी है, वो बोले अच्छी टिकट मिले ऊपर ऊपर की मिले, मतलब नीचे एकदम फर्स्ट सेकंड रो मिलेगी तो फिर यहाँ से भी कैंसिल करके घर चले जाएंगे, है ना अंकिता, ऐसा मत बोला यहाँ से, चलो पीवीआर में 8 बजे का वहाँ चले जाते हैं। हाँ यार ये भी अच्छा आइडिया है, चलो अच्छा आइडिया, चलो गुड।
खोल ले भाई, लेट हो रहा है। रुक जा मैं खोल। सच्चे तो भी ठीक है। आई अंकिता ऑन ड्यूटी। अंकिता काम कर रही है यहाँ का। मूवी में जाना है। मैंने भैया को बोला पार्ट टाइम अगर कम पड़े इंसान तो इसका रख लेना। मैंने हिरन की गाड़ी के लिए हटाया ठीक है, और फिर रख दिया, और फिर मैं डर लेकर जा रही हूँ, तो पीछे गाड़ी हॉर्न में जा रही हूँ। काम नहीं कर किसी और गाड़ी ने हॉर्न मारा कि मैडम मेरे लिए भी हटाओ। मैंने बोला ड्यूटी पे अंकिता अच्छी था। गेट कीपर गेट कीपर, लिफ्ट कीपर, स्वीपर, नीचे आ गए ऊपर से। क्या हो रहा है भाई, कितने टाइम के बाद हमने ना ये वाली टिकट ली, कागज वाली। लास्ट टाइम अपन को मिली थी जब अपने को लास्ट टाइम अपन को ये वाली टिकट मिली थी जब अपन को पता है वो गलत डेट सिलेक्ट कर ली थी, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री में दी थी। चलो पॉपकॉर्न और ये तो ले लिया है, स्क्रीन में होपफुली मूवी चालू ना हुई हो। अंकिता देख क्या नसीब है, अभी चालू नहीं हुई है। लेट होते तो अभी चालू तो नहीं होती अपने लिए, हम टाइम पे पहुँच जाते हैं। तो गाइस मूवी हो चुकी है खत्म, और सच बताऊं बहुत अमेजिंग मूवी है। देखो अगर आपको बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री या तो फिर मतलब होता है ना रियल लाइफ मूवी और स्पेशली पॉलिटिकल मूवी अगर आपको पसंद है, और नहीं भी पसंद हो अगर तो डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए, माइंड ब्लोइंग है। एक्टिंग की तो बात करने की नहीं, जिसमें पंकज त्रिपाठी वो माइंड ब्लोइंग है। हर एक एक्चुअल में आपको एकदम प्रॉपर रियल मूवी फील होगी, सच में गजब, मतलब हैट्स ऑफ, गजब मूवी। ये मूवी ऐसी है ना कि अब में से छोटे बच्चे लोग को भी पता होनी चाहिए कि यार कि क्या हाँ कुछ हुआ है। और बहुत और ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही प्रॉपर अच्छी तरह से डिटेल करके और डिटेल में बताया, मतलब हर एक चीज बताई है, बट बहुत कम चीज थोड़े टाइम में फटाफट बताने का ट्राई किया है। नहीं पर जितनी इम्पोर्टेंट चीज है एक भी मिस नहीं किया, सारी प्रॉपरली। तो मेरे हिसाब से तो हैट्स ऑफ है, गजब मूवी है, देखनी चाहिए और देखो ना, तो उसको थिएटर में जाके सपोर्ट मिलना चाहिए, लव मिलना चाहिए, डेफिनेटली लोग ऐसे मनाने का ट्राई करें। अच्छा हाँ, नहीं तो फिर बाकी सारी पिक्चर पर ऐसी अच्छी मूवी अच्छे टॉपिक पे अच्छी तरह से बनाना सबके बस की बात नहीं होती। पता है मुझे पर कितने बार क्या होता है, हाथ पैर हिलाने की मूवीज होती है ना जो आ जाता है ऐसे ऐसे चल के ऐसे ऐसे कर वो हो जाती है ब्लूम ब्लूम ब्लूम, बहुत सारे बॉक्स ऑफिस। अरे वो तो लोगों की चॉइस पे है ना, देख हिट और फ्लॉप तो लोग बनाते हैं। हाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी मूवी अच्छी है या नहीं है। मेरे हिसाब से हम जितना कोशिश कर सकते हैं बता रहे हैं, मूवी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, देखना। हाँ आपने प्रॉपर सूरत नही आपने तो केला है 8-10 वर्ष से आप घर मन घर में पड़ा है, तबियत हारी नहीं रहती। मैंने बहुत लेट शुरू किया, कब अरे नॉट स्टॉप कॉल आते जा रहे हैं, वो होता है ना कि आपका एक ऐसा लकी विनर में से निकला है, कल हमारे साथ लंच है और नॉन स्टॉप आए जा रहा है, इरिटेड फ्रस्ट्रेटेड हो गया कुछ कुछ उसके साथ गए तो उसने बंद कर दिया फ्रस्ट्रेट होकर के फोन। यार ये तो मैं नोटिस ही नहीं किया भाई, अपने लोग फोन काट देते फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने फोन काट दिया हाथ जोड़े ब्रेको फोन रॉन्ग, उसने रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दिया, गजब मजा आ गई।